तो हेलो बच्चों, नवाबा यूट्यूब चैनल के बोर्ड आवर सेक्शन में स्वागत है बच्चों। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो आपका सेक पेपर है साइंस एंड लाइफ का, उसका हम कोई जो विटामिन्स एंड बॉडी का जो है जो डिफिशियंसी है, जो इम्पॉर्टेंट यूनिट है ना, फूड सोर्स एंड विटामिन्स, ये सारी चीज़ें हैं, तो वो सारे को इस यूनिट में मैं इस लेक्चर में सॉरी कवर करने वाला हूँ। इससे पहले अगर लेक्चर वन, लेक्चर टू, लेक्चर थ्री जो हमारे क्लास वन, क्लास टू और क्लास थ्री लिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का स्टडी मटेरियल है, तो अगर आप नहीं किया तो कर लें और इसके बाद ये वाला देख लें। और जो भी हिंदी मीडियम वाले बच्चे, ऐसा ना सोचे कि हम कैसे इसका तैयारी करेंगे, मैं सारी की हिंदी से भी समझा दूंगा ताकि आपको पेपर इंग्लिश में ही आता, आपको याद रखना चाहिए। आपको जो एग्ज़ाम में पेपर आएगा सेक पेपर का, वो इंग्लिश में आने का ज़्यादा चांसेस है, ज़्यादा समझ पाइएगा, तो आप इंग्लिश में ही आप हमको यहाँ पर आपको समझा देंगे, लेकिन आपका हिंदी अच्छे से करवा देंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में। तो चलिए बच्चों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों, तो कर लें। दो चैनल है, नवाबा और बोडाबा, है ना। दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके आपके ऑनर्स पेपर, आपके जेनरिक पेपर, सेक पेपर, सभी के इंपॉर्टेंट लेक्चर, वीडियोस, इंपॉर्टेंट नोट्स यहां पे शेयर किए जाते हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब करके रखिए, कोई भी चीज मिस ना हो पाए, ठीक है। और वीडियो को अंत तक देखा करें, तभी आप सारी चीजें जानकारी ले पाएंगे। और एक बार परीक्षा से पहले भी आप देख लीजिएगा सारी चीजें सीरीज बाय सीरीज, ताकि कोई भी चीजें आप भूल ना पाओ और रिविजन हो जाए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या है, व्हाट आर विटामिन्स, विटामिन्स क्या है बच्चों, द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच हेल्प इन परफॉर्मिंग बायोलॉजिकल फंक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना, आर कॉल्ड द विटामिन्स। देयर आर वाइटल न्यूट्रिएंट्स, है ना, वाइटल न्यूट्रिएंट्स विच शुड बी एडेड टू आवर डेली डाइट इन ए रिक्वायर्ड अमाउंट। बोलता है बच्चों कि ध्यान से सुनिएगा कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जो हमारे शरीर को, है ना, क्या करते हैं, हमारे शरीर के जो फंक्शंस होते हैं हमारे शरीर में, उनको ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं और मदद करते हैं, उनको क्या कहते हैं, विटामिन्स कहते हैं बच्चों, याद रखिएगा, है ना। परफॉर्मिंग बायोलॉजिकल फंक्शंस, है ना, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या कहलाते हैं, विटामिन्स कहलाते हैं। और ये याद रखिएगा कि ये वाइटल न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक हैं, शुड बी एडेड टू आवर डेली लाइफ, जो कि हमारे डेली डाइट में मतलब कि लिया जाना चाहिए इन ए रिक्वायर्ड अमाउंट, ठीक है। अच्छा देखिए बच्चों, क्या पूछ रहा है सेकंड में, देखिए कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ विटामिन्स इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी में इनका क्या फंक्शन है, विटामिन का क्या फंक्शन है, तो क्या करते हैं बच्चों, देखिए डाइजेशन करते हैं, मेटाबॉलिज्म को मजबूत करते हैं, बूस्टिंग इम्यूनिटी और हमारे इम्यूनिटी को भी मजबूत करते हैं। तो ये क्या करते हैं बच्चों, डाइजेशन मतलब पाचन हो गया, हमारे पाचन में मदद करते हैं, मेटाबॉलिज्म हमारे शरीर की मतलब शक्ति को बढ़ाते हैं, बूस्टिंग इम्यूनिटी हमारी प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाते हैं, ठीक है। अगला चलिए देखिए बच्चों, क्या पूछ रहा है कि साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन्स एंड देयर सोर्सेस, ये बार बार आता है बच्चों, डबल स्टार के क्वेश्चन से, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। मेनी प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ हैव कॉमन नेम्स एंड साइंटिफिक नेम्स टू, बहुत सारे प्लांट और एनिमल्स ऐसे हैं जिनके कॉमन नाम और साइंटिफिक नाम सेम ही है। सिमिलरली और द विटामिन्स हैव देयर ऑन साइंटिफिक नेम, सभी के अपने अपने साइंटिफिक नेम भी हैं। तो बोल रहा है कि कॉमन नेम्स और साइंटिफिक नेम दोनों होते हैं। तो देखिए क्या है, द एप्लीकेशन डिपेंड्स ऑन द कंपोजिशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड देयर आल्सो बायोकेमिकल फंक्शंस। यहाँ पे कुछ वैसा बोला नहीं गया, चलिए विटामिन्स के बारे में पढ़ लेते हैं। विटामिन्स क्या है, वाटर विटामिन्स, यह मैंने अभी वो आपको बता दिया बच्चों कि विद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच हेल्प इन परफॉर्मिंग बायोलॉजिकल फंक्शंस, है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड विटामिन्स। और ये वाइटल न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हमारे डेली डाइट में जमा लिए जाने चाहिए। देखिए बच्चों, विटामिन्स के एक और यहाँ पे देज आर रेफर्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड बिकॉज आवर बॉडी कैन नॉट सिंथेसिस देम, है ना, ये ऐसे मतलब कि कंपाउंड्स हैं जो हमारे बॉडी खुद से बना नहीं सकता, सिंथेसिस नहीं कर सकता, तो इनको बाहर से लेना हमको जरूरी है बच्चों, है ना, सिंथेसाइज नहीं कर सकता। एंड रिक्वायर्ड अमाउंट इन वेरी स्मॉल अमाउंट्स एज देयर डिग्रेडेशन इज वेरी स्लो, हेंस दे आर ऑल्सो नोन एज द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। देखिए बच्चों, क्या यहाँ पे लिखा गया है कि दीज आर रेफर्ड एज टू एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बिकॉज आवर बॉडी कैन नॉट सिंथेसाइज देम एंड आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट, हमारी बॉडी को बहुत कम मात्रा में ये चाहिए बच्चों, कौन, विटामिन्स, एज देयर डिग्रेडेशन इज वेरी स्लो, क्योंकि इसका जो डिग्रेडेशन है, जो कि उसका टूटना बोलते हैं सिंपलर फॉर्म में, वो बहुत आसान नहीं है, बहुत ही स्लो प्रोसेस है, हेंस दे आर ऑल्सो नोन एज द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, इसलिए इसको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी कहा जाता है, है ना। विटामिन्स परफॉर्म वाइटल फंक्शंस एंड प्ले एन एसेंशियल रोल इन आवर बॉडी फॉर फंक्शंस लाइक मेटाबॉलिज्म, इम्यूनिटी एंड डाइजेशन, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए बच्चों, यहाँ से हम आपको बता दें कि विटामिन का जो आपका ग्रीक नाम है विटा, है ना, लाइफ एंड अमीन, विटा मतलब होता है लाइफ और अमाइन, है ना, विटामिन, अमीन का मतलब होता है विच रेफर्स टू द कंपाउंड फाउंड इन थियामाइन, जो थियामिन में पाया जाता है उसको रेफर करता है, विच वाज आइसोलेटेड फ्रॉम हस्क्स ऑफ राइस। चलिए बच्चों, अब जो कि यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप डबल स्टार मार लीजिएगा, विटामिन्स एंड देयर सोर्सेस यहाँ से शुरू हो रहा है। तो देखिए बच्चों, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन, सोर्सेस ऑफ विटामिन एंड देयर साइंटिफिक नेम्स, इसी से आपका पेपर में पूछा जाता है। तो देखते हैं, विटामिन ए का बच्चों याद रखिएगा, ये फैट सोल्युबल है,
है ना, फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल में आपको डिफरेंस करना रहेगा, बाद में उसका फिर से हम लिस्ट बना देंगे। लेकिन यहाँ पे याद रखिए विटामिन ए फैट सोल्यूबल है, याद करने का तरीका भी मैं इसी वीडियो में बता दूंगा। साइंटिफिक नेम क्या है बच्चों, रेटिनॉल है, याद रखिएगा साइंटिफिक नेम क्या है, रेटिनॉल है। और किस किस से फूड सोर्सेस में पाए जाते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है ना, हरे पत्तों वाले सब्जियों में, नट्स में पाए जाते हैं, टोमेटोज में पाए जाते हैं, ऑरेंजेस है ना, ये सभी आपको समझ में आ रहा होगा हिंदी में, ग्रीन पत्ते वाले सब्जियाँ नट्स में पाए जाते हैं, टमाटर में पाए जाते हैं बच्चों, आपके संतरों में पाए जाते हैं, राइप येलो फ्रूट्स मतलब पके हुए फल में पाए जाते हैं बच्चों, ग्वावा, मिल्क, लीवर, कैरोट्स, ब्रोकली और वाटरमेलन्स में पाए जाते हैं। अब दूसरा देखिए बच्चों, दूसरा दिया है कॉमन नेम विटामिन B1, जिसको जो कि वाटर सोल्यूबल है। वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल का मैं अलग से लिस्ट बना दिया, उसका चिंता मत कीजिए, लेकिन अभी आप ये देख लीजिए। और साइंटिफिक नेम इसका बच्चों थियामिन है। आपको सभी विटामिन B1 B2 सभी का आपको मतलब साइंटिफिक नेम याद रखना चाहिए, ये मैंने पिछला क्लास में भी बता दिया है, पिछला क्लास अगर नहीं देखा देख लीजिए क्लास 3। थियामिन फूड सोर्सेस क्या है बच्चों, फ्रेश फ्रूट्स है ना, कॉर्न है, कॉर्न मतलब मक्का हो गया, कैसू नट्स हो गया बच्चों, किशमिश, पोटैटोज, स्वीट पोटैटोज, पीज, व्हीट है ना, मिल्क, डेट्स, ब्लैक बीन्स, ये सारे B1 के क्या हैं, सोर्स हैं। देखिए बच्चों B2 के बारे में क्या दिया गया है कि B2 है वाटर सोल्यूबल है, साइंटिफिक नेम क्या है, राइबोफ्लेविन है। फूड सोर्सेस याद रखिएगा कि बनानास, ग्रेप्स, मैंगोज, पीज, पम्पकिंस, डेट्स, योगर्ट और क्या दिया हुआ है, मिल्क, मशरूम्स, पॉपकॉर्न, बीफ लीवर, ये सारे हैं। कॉमन नेम देखिए बच्चों B3 का देखते हैं, ये भी वाटर सोल्यूबल ही है, साइंटिफिक नेम नियासिन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछता है नियासिन किसका, याद रखिएगा। तो फूड सोर्सेस क्या है, मीट है, एग्स है, फिश है, मिल्क प्रोडक्ट्स है, ग्वावा है, मशरूम है, पीनट्स है, कैरियल्स है, सीरियल्स के बाद क्या है, सीरियल के बाद ग्रीन पीज है और ETC। उसके बाद देखिए बच्चों B5 का भी पूछा जाता है साइंटिफिक नेम, तो इसका भी याद रखिएगा, डबल स्टार है, पूछता है ये, इसका ये भी वाटर सोल्यूबल है। फूड सोर्सेस याद रखिएगा मीट है, किडनी है, एग योल्क है जो कि पीला वाला भाग होता है ना, उसके ऊपर होता है एल्बुमिन, याद रखिएगा कि अंडे के ऊपर के भाग को एल्बुमिन कहा जाता है, एल्बुमिन, और ये वाला को योल्क कहा जाता है जो येलो कलर का होता है, और बाहर में जो होता है जो सेल होता है हार्ड होता है, प्रोटेक्टिव सेल होता है ना ऊपर में, तो याद रखिएगा। तो ब्रोकली, पीनट्स, चिकन मिल्क, योगर्ट और लेगुम्स, मशरूम, एवोकाडो है ना, ये सारे में पाए जाते हैं। चलिए बच्चों B6 देखिए, B6 वाटर सोल्यूबल है, साइंटिफिक नेम पैराडॉक्साइन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा इसका साइंटिफिक नेम। सोर्सेस क्या है, पोर्क है, चिकन है ना, फिश है, ब्रेड है, आपको हिंदी में भी बता देता हूँ, सुअर का मीट हो गया बच्चों, ये मीट ही एक तरह से हो गया, चिकन हो गया आपको जानते ही होंगे, फिश मछली, ब्रेड हो गया, होल ग्रेन हो गया, कैरियल्स हो गया, अनाज हो गया एक तरह का, और एग्स हो गया, अंडे, वेजिटेबल, सब्जी, सोयाबीन्स, ये सभी है ना। देखिए B7 क्या है बच्चों, ये भी वाटर सोल्यूबल है, बायोटीन इसका नाम है, साइंटिफिक नेम और फूड सोर्सेस का नाम है बच्चों, वॉलनट्स आपके जो हो गए, अखरोट जिसको आप बोलते हैं, पीनट्स हो गए बच्चों, मूंगफली, कैरियल्स, सीरियल्स और क्या है, देख लीजिए मिल्क है, ये गोल्क, सालमन, पॉक है ना, मशरूम, कॉलीफ्लावर, एवोकाडोज है ना, बनानाज और रसबेरीज, तो ये सारी चीज़ें हैं। B8 देखिए, B9 में देखिए बच्चों कॉमन नेम क्या है, B9 का वाटर सोल्यूबल है, B8 का लिखने का जरूरत नहीं है, वाटर सोल्यूबल का देखिए, वाटर इसका साइंटिफिक नेम फोलिक एसिड है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है। फूड सोर्सेज देखिए, सिट्रस फ्रूट्स जिसको बोलते हैं बच्चों जो खट्टे होते हैं स्वाद में, उसको सिट्रस फ्रूट्स कहते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स है ना, लिगूम्स, बीट्स, ये सारे। अब देखिए बच्चों B9 का क्या है कॉमन नेम बच्चों, B12 का ये भी वाटर सोल्यूबल है, साइंटिफिक नेम याद रखिए कोल्बामिन है, फूड सोर्सेस फिश है, मीट है, पोल्ट्री फॉर एग्स है, मिल्क है, ये सभी है। अब देखिए बच्चों विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार रिपीट होता है, याद रखिएगा वाटर सोल्यूबल है, याद रखिएगा साइंटिफिक नेम एस्कॉर्बिक एसिड है ना, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एस्कॉर्बिक एसिड किसमें पाया जाता है, विटामिन सी में, रेटिनॉल किसमें पाया जाता है, विटामिन ए में, और बी का मैंने सारा सीरीज बता दिया। इसके फूड सोर्सेस कौन है बच्चों, फ्रेश सिट्रस फ्रूट्स, मैंने आपको बता दिया कि विटामिन सी में, सिट्रस फ्रूट में विटामिन सी पाए जाते हैं, सच एज ऑरेंज, ग्रेप फ्रूट्स, ये सारे में, संतरों में, ग्रेप फ्रूट्स में, ब्रोकली में, गोट मिल्क में, ब्लैक करंट में, याद रखिएगा बच्चों की सबसे ज़्यादा विटामिन सी ब्लैक करंट में पाया जाता है, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, एक संतरे से 4 से 8 गुना ज़्यादा पाया जाता है विटामिन सी किस में, ब्लैक करंट में, तो ब्लैक करंट सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाने वाला फ्रूट है, ये भी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। चेस्टनट हो गया। अब देखिए बच्चों विटामिन डी जो है उसका कॉमन, ये भी फैट सोल्यूबल है, ऊपर वाला वाटर सोल्यूबल था, याद रखिएगा। उसका एक फॉर्मूला है ADEK जो कि कौन है, फैट सोल्यूबल है, वो बाद में बता दूंगा मैं, उसका चिंता मत कीजिए, ये सारे फैट सोल्यूबल है, वो आप याद कर लीजिएगा, बाद में आप देख लीजिएगा समझ में आ जाएगा। कैल्सिफेरॉल फूड सोर्सेस क्या है बच्चों, इसका देखिए साइंटिफिक नेम कैल्सिफेरॉल है, फिश, बीफ, कॉड लीवर ऑयल, येगोल्क, लीवर, चिकन ब्रेस्ट और कैरियल्स, ये सारे आपके विटामिन डी के हो गए। चलिए विटामिन ई का देख लीजिए बच्चों, ये फैट सोल्यूबल है,
है ना। और साइंटिफिक नेम क्या है, टोकोपेरोल है। और फूड सोर्सेज देख लीजिए, पोटैटोज है, पम्पकिन है, गुआवा है, मैंगो है, मिल्क है, नट्स है और सीड्स है। चलिए बच्चों अगला देख लेते हैं, लास्ट है ये बच्चों, ज़्यादा लंबा नहीं है वीडियो, टेंशन नहीं लेने का है ज़्यादा। विटामिन के फैट सोल्यूबल होता है और साइंटिफिक नेम पैथोनोडाइन होता है बच्चों। और फूड सोर्सेज देख लीजिए, टोमेटोज, ब्रोकली, मैंगोज, फिर ग्रैप्स, चेस्टनट्स, कैसू नट्स, बीफ्स एंड लंप होता है। अब इनकी डिफिशियंसी से क्या क्या मतलब बीमारियां होता है, उसका क्योरमेंट सारी चीज़ें पढ़ेंगे, चलिए देख लेते हैं बाद में। क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स बेस्ड ऑन द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी, विटामिन्स आर ऑल्सो नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग। देखिए बच्चों, वाटर सोल्यूबल विटामिन की मैंने यहाँ पे लिस्ट बना दिया, याद रखिएगा। आपका B1 हो गया, B3 हो गया, B1 हो गया, देख लीजिएगा लिस्ट में कि ये किसको कहा जाता है। नियासिन B3 को बोला जाता है, पैराडाइन, थियामाइन, विटामिन से आपको फोलिक एसिड, रेबोफोलामिन, विटामिन B12, फैंथोमिक एसिड, ये सारे क्या हैं, ये बच्चों वाटर सोल्यूबल हैं। तो ये याद रखिएगा, विटामिन सी भी आपका वाटर सोल्यूबल है। अब फैट सोल्यूबल देख लीजिए बच्चों क्या है, ADE के मैंने आपको याद करने के लिए बताया था तरीका, ADE के ये सारे क्या है बच्चों, फैट सोल्यूबल विटामिन्स हैं, याद रखिएगा। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डिफरेंट विटामिन्स इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी में डिफरेंट विटामिन्स के क्या फायदे बच्चों। वी ऑल नो दैट विटामिन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड इन डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स, हमारे शरीर के बढ़ने के लिए बहुत ही जरूरी है। लेट्स नो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ विटामिन्स इन आवर बॉडी, यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होने जा रहा है बच्चों कि क्यों हम क्या इनके फायदे हैं विटामिन्स के, वो सारे लिस्टिंग में यहाँ पे पढ़ करूँगा, तो चलिए ध्यान से देखते जाइए। तो देखिए बच्चों, विटामिन ए क्या करता है, विटामिन ए का काम देखिए, इट हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग द आइज फ्रॉम सन लाइट ब्लाइंडनेस एंड ऑल्सो सपोर्ट्स बोन हेल्थ, याद रखिएगा कि ये हमारी आंखों की रक्षा करते हैं विटामिन ए, और हमारे जो रतुंधी होता है नाइट ब्लाइंडनेस उससे हमको सब बचाता है। विटामिन B1 देखिए बच्चों, इट हेल्प्स प्रिवेंट, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कर दे रहा हूँ, सारी चीज़ें आप लोग पूरा देखा कीजिए। इट हेल्प्स प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन इन द नर्वस सिस्टम, जो हमारे नर्वस सिस्टम में जो कमजोरियाँ होती है, तंत्र में जो बोलते हैं तंत्रिका तंत्र, ब्रेन, मसल्स है ना, हार्ट, स्टमक और इंटेस्टाइंस में, ये सारे जितने भी प्रॉब्लम है, जैसे आते होंगे अमाशय हो गया, हार्ट मतलब कि आप जानते होंगे दिल होगा, और मसल्स मतलब आपकी पेशियां होगी, मांसपेशियां, ब्रेन, दिमाग, सारे को ये कॉम्प्लिकेशंस को कंट्रोल करता है। इट हेल्प्स, अगला देखिए बच्चों B2 का मैं बता रहा हूँ, इट हेल्प्स ब्रेक डाउन प्रोटीन्स को तोड़ने में मदद करता है, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, सारी चीज़ों को तोड़ने में मदद करता है। इट प्लेज ए वाइटल रोल इन मेंटेनिंग द बॉडीज एनर्जी सप्लाई, ये हमारे शरीर के बॉडी एनर्जी सप्लाई को मेंटेन करता है। B3 देखिए, इट हेल्प्स लोअर कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है, इज अर्थराइटिस, बूस्ट ब्रेन फंक्शन, माथे को, दिमाग को बूस्ट करता है, एमंग अदर बेनिफिट्स, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। B5 देख लीजिए बच्चों, इट हेल्प्स रिड्यूस एनर्जी बाय ब्रेकिंग डाउन फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स को तोड़ने में मदद करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स टू मेंटेन ए हेल्दी स्किन, हेयर, आइज एंड लिवर, इससे क्या होता है स्किन हमारा जो त्वचा है, हेयर, बाल हो गया, आइज, आँख हो गया, लिवर हो गया, आपका गुर्दा, ये सारी चीज़ों को, सॉरी लिवर मतलब आपका लीवर को मजबूत करता है, ये सारी चीज़ें। विटामिन B6 देखिए बच्चों, इट हेल्प्स टू इम्प्रूव मूड एंड रिड्यूस सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन, ये हमारे मूड को ठीक करता है और डिप्रेशन को कम करता है, चिंता को, है ना। प्रमोट ब्रेन हेल्थ, माथे के लिए मतलब दिमाग के लिए, मस्तिष्क के लिए बहुत अच्छा है। रिड्यूस अल्जाइमर रिस्क को कम करता है बच्चों, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, एंड एज वेल एज प्रिवेंट्स एंड ट्रीट्स एनीमिया जो है उसको यहाँ पे ये प्रिवेंट करता है बाय एडिंग हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन, इससे हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है बच्चों, याद रखिएगा, जिससे एनीमिया होने का रिस्क कम हो जाता है। B7 देखिए बच्चों बोल रहा है, इट हेल्प्स टू प्रमोट अप्रोप्रिएट है ना फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम एंड इज एसेंशियल फॉर लीवर मेटाबोलिज्म एज वेल, है ना, ये हमारे लीवर के लिए भी बहुत अच्छा है पचाने के लिए खाने को, तो B7 इंपॉर्टेंट है और फंक्शन को मजबूत करता है, नर्वस सिस्टम को भी मजबूत करता है। बायोटीन इज कॉमनली एडवाइज्ड एज ए रेमेडी टू स्ट्रेंथन हेयर एंड नेल्स, याद रखिएगा अगर आपका हेयर और नेल्स मतलब बाल और नाखून कमजोर होते जा रहे हैं, आपका स्किन भी कमजोर हो जाते जा रहा है, तो विटामिन B7 आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब कि मदद रहेगा, हेल्पफुल रहेगा, अपने डाइट में शामिल कीजिएगा। B9 देखिए बच्चों, फॉलिक एसिड यूज टू ट्रीट फॉलिक एसिड डिफिशियंसी, जब फॉलिक एसिड का डिफिशियंसी हो जाता है आपके बॉडी में तो B9 लिया जाता है, एंड सर्टेन टाइप्स ऑफ एनीमिया, और एनीमिया में भी जब रेड ब्लड सेल कम हो जाता है बच्चों उसको एक एनीमिया कहते हैं, उस समय भी जब रेड ब्लड सेल आपका RBC कम हो जाता है एनीमिया में, तो ये आपको रोकने में मदद करता है ना फॉलिक एसिड। B12 देखिए बच्चों, इट हेल्प्स टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ मैस्कुलर डीजेनरेशन एंड ऑल्सो हेल्प्स टू इम्प्रूव मूड एंड सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन, मूड को अच्छा करता है बच्चों, डिप्रेशन को भी कम करता है और मैस्कुलर डीजेनरेशन को भी ये रिस्क को कम करता है। विटामिन B6 देख लीजिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेगा ये एग्जाम में, तो क्या है, हेल्प्स प्रिवेंट आयरन डिफिशियंसी, आयरन की डिफिशियंसी को कम करता है बच्चों, एंड ऑल्सो बूस्ट इम्यूनिटी और हमारी इम्यूनिटी को मजबूत करता है। अच्छा बच्चों, विटामिन ए की कमी से याद रखिएगा रतौंधी हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस जिसको बोलते हैं, बी से बैरी बैरी होता है,
सारी चीज़ों को लिस्ट कर लीजिएगा, मैं लिखा दे रहा हूँ। नाइट ब्लाइंडनेस, बेरी बेरी, विटामिन सी से अस्कर्वी हो जाता है बच्चों, और विटामिन डी से क्या हो जाता है बच्चों, रिकेट्स हो जाता है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। विटामिन सी से देखिए बच्चों, बता दिए मैंने, विटामिन डी से देखिए रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम हड्डी को मजबूत रखता है बच्चों, एंड मेंटेनेंस ऑफ फॉस्फोरस लेवल इन द ब्लड, और हमारे ब्लड में फॉस्फोरस के लेवल को कंट्रोल करता है। विटामिन ई देखिए बच्चों, हेल्प्स इन मॉइस्चराइजिंग स्किन एंड वाउंड हीलिंग, ये क्या वो करता है बच्चों, हमारे बॉडी में मॉइस्चराइज करता है, स्किन को हेल्प करता है ना, ताकि ड्राइनेस ज़्यादा ना रहे। और याद रखिएगा, वाउंड हीलिंग मतलब कि जब आपको ब्लड खून निकलते जाता है आपके शरीर के, स्किन के कहीं कट लग जाता है तो ये रोकने में मदद करता है, जैसा कि आपको प्लाज्मा बनाता है वहाँ पे रक्त थक्का जमने लगता है। विटामिन बी से, विटामिन ई के कारण ही ब्लड कोगुलेशन होता है, याद रखिएगा, ब्लड कोगुलेशन रुकना बंद हो जाता है अगर विटामिन ई की डिफिशियंसी रही तो, मैं बता रहा हूँ। और अगला देखिए बच्चों, विटामिन के भी इसी तरह से है। विटामिन के में देखिए, हेल्प्स इन, याद रखिएगा, या स्किन के लिए और बाल के लिए भी जरूरी है विटामिन ई, ठीक है। विटामिन के देखिए बॉडी के प्रोसेस को ब्लड क्लोटिंग में बहुत मदद करता है बच्चों, विटामिन के की कमी से ये अच्छे से ब्लड क्लोटिंग नहीं हो पाता, बहुत इंपॉर्टेंट है, विच हेल्प्स द बॉडी हील। यहाँ पर अगर आपको कहीं पर भी बॉडी में कट लग जाता है तो विटामिन की अगर के की डिफिशियंसी रहेगी तो आपको ब्लड बहता चला जाएगा, रुकेगा नहीं। विटामिन के की हेल्प से ही क्या होता है बच्चों, ब्लड क्लोटिंग होता है और ब्लड कोगुलेशन के कारण आपको वहाँ हीलिंग होने लगता है, और वाउंड आपका जो चोट लगा हुआ रहता है, घाव लगा हुआ रहता है, वो ठीक होने लगता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ से मैंने सारी जितने भी मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपकी ले ली है बच्चों, है ना। और आपका एक और काम है जो मैं बताना भूल गया, कि विटामिन सभी का तो मैंने साइंटिफिक नेम बता दिया, लेकिन विटामिन ई और विटामिन के का और विटामिन डी जो छूट गया, इनका साइंटिफिक नेम याद रखना है बच्चों, है ना। और इनकी कमी से कौन कौन सा रोग होता है मैंने बताया, सभी का आपको लिस्ट बना लेने हैं और उस तरह से तैयारी करते जानी है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया बच्चों, ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के बीच जरूर से शेयर करें, हमें सपोर्ट करें बच्चों, सभी को शेयर कीजिएगा तो ज़्यादा हमें खुशी होगी। और मैं बच्चों बता रहा हूँ कि सारी की सारी लेक्चर आप कर लिया करें, और एग्ज़ाम से पहले एक बार दोहरा जरूर लें कल वीडियो देखकर, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो, ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी, वीडियो सीरीज़ पसंद आ रही है तो आप लाइक कीजिए, कमेंट में जो जो मैंने आंसर मांगा उसका आंसर कीजिए, है ना। और आपके आने वाले आगामी एग्जाम के लिए बच्चों ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर अभी तक आपको बाकी सीरीज नहीं देखे हैं तो आई बटन में और लास्ट में प्लेलिस्ट में दिख रहा होगा तो देख लें, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद बच्चों।